मधेपुरा जिला प्रशासन पर निजी जमीन पर जबरन निबंधन भवन का निर्माण कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप कथित भूधारी द्वारा लगाया गया है। वहीं उन पर फर्जी एफआईआर करवाने का आरोप भी मढ़ा है। मामला मधेपुरा रजिस्ट्री कचहरी के भवन निर्माण से जुड़ा है। दरअसल सदर प्रखंड के मानिकपुर पंचायत के पूर्व मुखिया कामेश्वर यादव ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी निजी जमीन का खाता हालिया सर्वे में बिहार सरकार हो गया था। उस जमीन पर जनवरी 2023 में भवन निर्माण विभाग द्वारा निबंधन कार्यालय के लिए भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया गया। भूधारी ने बताया कि जब मेरे द्वारा विरोध किया गया तो अधिकारियों ने कहा कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओ, और अब जब कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तब भी दिन रात मेरे निजी जमीन पर भवन निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। कामेश्वर यादव ने बताया कि निर्माण कार्य रोकने और जमीन वापस करने के दिशा में कोर्ट के आदेश को लागू करवाने की गुहार लगाने, जब वो डीएम, एसडीएम, डीसीएलआर आदि अधिकारियों से लगाने और उन्हें आवेदन देने गए तो उन्हें निर्माण स्थल पर काम रोकने और फर्जी मारपीट के मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। सदर थाने में फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवाई गई है। वहीं इस मामले में जब जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीना से जिला प्रशासन का पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो जिला प्रशासन के तरफ से रजिस्ट्रार डॉक्टर यशपाल ने बताया कि वे फिलहाल न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और जिला प्रशासन अपील में भी जाएगी। मामला है, हमारे पिताजी महाराज दरभंगा से बंदोबस्त लिया था जमीन, 4 बीघा जमीन था, उसमें 2 बीघा हमारे पिताजी और 2 बीघा अन्य लोग लिए थे। उसके बाद वो 2 बीघा जो लिए थे बेच दिया हमारे पिताजी का, उसको सर्वे हो गया उसी जमीन, और हमारे पिताजी को सर्वे नहीं हुआ, इसी गलती कारण सर्वे नहीं हुआ। एकाएक अगले साल 2023 में 18 जनवरी को सारा पदाधिकारी आए और जमीन को नापी उपी जो कि करने लगे। नापी जो कि करने के बाद हम पूछे क्या हो रहा है, तो बोला यहाँ पर स्टडी बनेगा। तो हम बोले जी तो हमारे पिताजी का जमीन है तो इसको इस पर क्या अथी कीजिएगा, बोले कि नहीं नहीं अभी तो बिहार सरकार के नाम से जमीन दिखाई दे रहा है। तब हमको बोले एक बार आप एसडीएम साहब से यानी एसडीओ साहब से आप भेंट कर लीजिए। हम एसडीओ साहब के नज़दीक जब भेंट करने के लिए गए तो एसडीओ साहब बोले जी आप सूट से आइए, सूट में हो जाएगा तो आपको बना हुआ घर दे देंगे। हम सूट में चले गए, इसके बाद इंजेक्शन लग गया, इंजेक्शन के बाद काम बंद हो गया काम। इसके बाद फिर एक कोर्ट में अपील में डीएम साहब अपील में चले गए, अपील के बाद कोर्ट में फिर आदेश हुआ जो घर बनाया, हम लोग रोके उसको लेकिन नहीं रोके, और 1 महीना का आदेश दिया था कोर्ट में जो 1 महीना के अंदर में जमीन का जजमेंट दिया जाए, और हमारे पक्ष में 1 महीना 1.5 महीना हुआ है जजमेंट हो गया है और अभी तक काम नहीं रुक रहा है। हमारा काम जबरदस्ती कर रहा है, और इसके ऊपर एक दिन हम जब आवेदन देने के लिए गए, आवेदन दे के चले आए तो रंजीत कुमार जो है जेई उसके द्वारा थाना में हमारे ऊपर केस करा दिया है, जबरदस्ती यहाँ पर मारपीट करने के लिए आया था, गाली गलौज करने के लिए आया। आदेश जो है न्यायालय का आपके पक्ष में आया है? हमारे पक्ष में आया। क्या आदेश में कहा गया है? आदेश में कहा गया है जिस तरह की जमीन है उस तरह की जमीन बना करके और जमींदार को वापस किया जाए। किसका आदेश है ये? सब जज 1 का, मधेपुरा सब जज 1। तो आपने इस बारे में जिलाधिकारी या अन्य लोगों से बात किया है? जी, हमने कार्यपालक अभियंता के पास गए, जिला पदाधिकारी के ऑफिस गए अपना कागज देने के लिए, तो बोले कि देखिए हम नेट से निकाले थे शुरू में, तो बोले कि कागज आपके जज में आपके पक्ष में हुआ कि नहीं वो बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप जब पूर्ण आदेश हो जाएगा तब आप दीजिएगा। जब पूर्ण आदेश हो गया हम जब लेकर के गए तो सारे के सारे पदाधिकारी किरानी साहब या जो हो उसके वहाँ बोला कि नहीं नहीं हम को मना कर दिया है, हम कॉपी नहीं रिसीव करेंगे। फिर हम इसके पास गए, कार्यपालक अभियंता के पास गए, वो भी लेने से इनकार कर दिए, और हमारा कॉपी तब इसके बाद हम रजिस्ट्री किए हैं सारे पदाधिकारी को, हमारा कॉपी लेने से इनकार कर दिए। जगह का मामला है? मामला मानिकपुर चौक से सटी पश्चिम रजिस्ट्री निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री बन रहा है। रजिस्ट्री कचहरी पर जो निर्माण हो रहा है उस पर कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो रैयत के पक्ष में गया है फिर भी निर्माण कार्य हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग इस कोर्ट के आदेश के न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं, उसके पश्चात हम लोग डिवीजन में जा रहे हैं।